हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज आपका फिर से महेश सर के अकाउंट के दुनिया में स्वागत है। आज आपके लिए महेश सर अकाउंट में लाए हैं शेयर का सेकंड पार्ट। इसके पहले हम ला चुके हैं शेयर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम बता चुके हैं शेयर के थ्योरी और टाइप ऑफ कैपिटल। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छा, आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें, जिससे आपका शेयर का फुल कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो जरूर दबाना, जिससे आपके पास महेश सर के इंटरटेनिंग स्टडी की वीडियो क्या होती रहे, पहुंचती रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज शेयर के सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे शेयर का न्यूमेरिकल और इसके फॉर्मेट को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर से मैं एक बार अपील कर दूं, जो लोग फर्स्ट पार्ट देखे होंगे उनको आज सेकंड पार्ट क्या होगा एकदम बढ़िया से क्लियर होगा। तो प्लीज आप पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, फिर आप सेकंड पार्ट को देखें। तो आज सेकंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कैसे लगता है। और एक बात और मैं हम बता दें आपको, ये इंटर और बीकॉम थर्ड ईयर का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसके बिना आपका पेपर नहीं बनता है। जैसे खाने में सबसे इम्पॉर्टेंट सलाद होता है, बिना सलाद का खाना सुंदर नहीं दिखता है, उसी तरह बिना शेयर का कोई पेपर अच्छा नहीं बनता है। ठीक है, तो पेपर में ये जरूर रहेगा शेयर। तो शेयर का करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। देखो इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व तीन प्रकार से किया जाता है, जर्नल एंट्री, बैंक और बैलेंस शीट। यानी कंपनी का जर्नल एंट्री बनाइए, कंपनी का बैंक बनाइए, कंपनी का बैलेंस शीट बनाइए। तो कंपनियों में ही आता है शेयर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट के लिए जर्नल एंट्री तीन प्रकार से क्या होती है, लगाई जाती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और क्या होता है कॉल। तो मैंने पहले वीडियो में आपको सभी के बारे में क्या किया समझा दिया, फिर भी हम कुछ आपको फिर से बता देते हैं। एप्लीकेशन मतलब क्या, सबसे पहले कंपनी ये कहती है अपने शेयर होल्डरों से कि आप मेरा शेयर परचेस करें और फॉर्म को भरकर कंपनी में क्या करें, जमा करें। तो फॉर्म भरकर कंपनी में जमा करना है क्या कहलाता है, एप्लीकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी नए स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप सबसे पहले उस स्कूल का फॉर्म क्या करते हो, भरते हो और उस स्कूल में जाके क्या करते हो, सबमिट कर देते हो। यानी फॉर्म भर के जमा करना ही क्या कहलाता है, एप्लीकेशन कहलाता है। तो जब इसी तरह कंपनी का जब शेयर मार्केट में इशू होता है तो जितने लोग कंपनी का शेयर परचेस करके कंपनी में जमा करते हैं तो उसके साथ साथ उनको कुछ अमाउंट पे करना होता है। तो ये देखो पहली एंट्री जर्नल एंट्री क्या होती है, जब सबके पास एक कंपनी के पास पैसा आता है तो पहली एंट्री पैसा पाने की होती है। यानी सबकी देखो दो दो एंट्री होगी, एप्लीकेशन की भी दो, अलॉटमेंट की भी दो और कॉल की भी दो। तो एप्लीकेशन में पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आता है, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो गई कंपनी की वहां पहली एंट्री पैसा पाने की। कंपनी सबसे पहले कंपनी सभी लोगों से एप्लीकेशन का कैश क्या करती है, रिसीव करती है। तो पैसा आ रहा है, आने वाला डेबिट, अब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सारे ट्रांजेक्शन बैंक से होते हैं, इसलिए हम लोग क्या शो करेंगे, बैंक लिखेंगे। अब कंपनी के को पैसा तो लोगों से मिल गया तो कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या पास करेगी, देखिए बींग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, सभी लोगों से कंपनी के पास पैसा क्या हो गया, चलो मिल गया। अब कंपनी सारे पैसे को इकट्ठा करके कहां चली जाती है, शिमला, नहीं ऐसा नहीं करती, घूमने नहीं जाती है, कंपनी उस पैसे को किस में ट्रांसफर कर देती है, कैपिटल में। किस में ट्रांसफर करती है, कैपिटल में। तो सेकंड एंट्री पास होता है किसका, कैपिटल का। तो उस केस में ये जो क्रेडिट में दिख रहा है वो डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, नरेशन हो जाएगा बींग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कि यानी जो लोगों से कंपनी को पैसा आया कैपिटल के रूप में उसको मैंने क्या कर दिया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में पैसा आता है फिर उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर। तो अब जिनने लोगों ने कंपनी में एप्लीकेशन दे दिया है, कंपनी उसमें से छांटती है कि किस लोग, यानी कैसे कैसे लोगों को कंपनी में रखा जाए और कैसे कैसे लोगों को कंपनी से क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। यानी अच्छे और सुंदर सभ्य लोगों को कंपनी में रखो और बुरे लोगों को क्या कर दो, बाहर। कभी कभी ऐसा होता है कंपनी में कुछ क्रिमिनल लोगों ने भी क्या कर दिया होता है, एप्लीकेशन भर दिया होता है।
तो कंपनी ऐसे क्रिमिनल लोगों का नाम ही पढ़ के क्या करती है, हटा देती है। ऐसा ना हो कि इनको अपने वहां का हम शेयर होल्डर बना लें, अकल को यही हमारे सर पर बंदूक रख के क्या करे, गोली चला के हमको क्या करते, गायब कर दो, कंपनी के मालिक खुद ही बन जाए। तो ऐसे लोगों से भैया क्या रहा जाए, दूर रहा जाए, अच्छे लोग रहें, कम रहें पर अच्छे रहें। तो कंपनी ऐसे लोगों को अपने वहां अप्लीकेशन कर लेती है, उसके बाद उन्हीं लोगों का नाम कंपनी क्या करती है, अपने रजिस्टर में लिख लेती है। यानी जिसको रखना है उनका नाम जैसे कंपनी के रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है, वो प्रोसेस कहलाता है अलॉटमेंट। क्या कहलाता है? अलॉटमेंट। और जैसे अलॉटमेंट हो जाता है, कंपनी फिर उन लोगों से अलॉटमेंट मनी क्या करती है, मांगती है। पर जिन लोगों ने एप्लीकेशन किया है तो कंपनी मानती है कि इन लोगों से जब हम इनका अलॉटमेंट करेंगे तो पैसा मुझे क्या होगा, क्लियरली मिल जाएगा। इसलिए कंपनी पैसा मांगने से पहले उनके पैसे को पहले ही ट्रांसफर कर देती है, किसमें, कैपिटल में। देखो एप्लीकेशन में भी दो एंट्री, अलॉटमेंट में भी दो एंट्री और कॉल में भी दो एंट्री। तो एप्लीकेशन की तो दो एंट्री हो गई, अब किसकी एंट्री पास करेंगे हम लोग, अलॉटमेंट की। तो अब देखो अलॉटमेंट में क्या होगा, यही थोड़ा सा रुकिए ना, ठीक है। एप्लीकेशन में पहले एंट्री होती है बैंक वाली और फिर किसकी होती है, कैपिटल वाली। यही दो एंट्री अलॉटमेंट में भी होगी और कॉल में भी होगी, बस अंतर ये होगा कि अलॉटमेंट में पहले कैपिटल वाली एंट्री होगी और फिर किसकी एंट्री होगी, बैंक वाली होगी। तो आपको सेम यही एंट्री क्या करना है, छाप देना है, बस हेड बदल जाएगा, इक्विटी शेयर यहां एप्लीकेशन की जगह क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम नरेशन, सॉरी सेम एंट्री छाप दिया, अब नरेशन सेम छाप दो, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का क्या कर दो, अलॉटमेंट मनी, बस यही थामा, यही रुक जाना। यहां पे उसने मनी को ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, क्योंकि पैसा पहले मिल चुका है, तो यहां पैसा मिला नहीं होता, इसलिए लिखता है मनी ड्यू, यानी जिसका मैंने अलॉटमेंट कर दिया अभी उनसे मुझे पैसा नहीं मिला है। तो अब कंपनी का एक मेंबर आपके घर पर आता है, तो आप निकलते हैं, यस कंपनी के मेंबर कहता है सर मैं इस कंपनी से आया हूं जहां आपने क्या किया था, शेयर खरीदा था, तो सर आपका अलॉटमेंट कर दिया है, आप मुझे क्या दीजिए, पैसा। तो वो बंदा जैसे कंपनी के मेंबर को पैसा देगा वैसे कंपनी अपने एंट्री क्या पास करेगी, बैंक वाली, यानी पैसा पाने की, सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, देखो इक्विटी शेयर बस जहां एप्लीकेशन लिखा है वहां को क्या लिखना है, अलॉटमेंट अकाउंट। और नरेशन क्या हुआ, ये नरेशन सेम होगा, बींग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्लियर। यानी सेम नरेशन सेम एंट्री क्या करना है, छाप देना है, बस यहां एप्लीकेशन, तो यहां क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट। तो आपने देखा कि इसमें सिर्फ दो ही एंट्री आपको याद करना है, एक बैंक वाली और एक कैपिटल वाली, वही एंट्री फिर क्या होती है, रिपीट होती है, बस यहां पहले बैंक फिर कैपिटल, यहां पहले कैपिटल फिर बैंक। अब बदलता क्या है, सिर्फ हेड, यहां पर एप्लीकेशन है तो यहां पर अलॉटमेंट, यानी दो एंट्री याद कर डाला, सुने ना कहावत है कि दो एंट्री याद कर डाला तो शेयर बाबा झिंगा लाला, यानी शेयर को कोई आपको लगाने से नहीं रोक सकता है। तो बस ये दो एंट्री याद होना चाहिए, बस उसी को छापते चले जाइए, नकल मारते चले जाइए। तो एप्लीकेशन की दो एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की दो एंट्री हो गई, अब आया कॉल। कॉल क्या होता है, अब जितना भी आप शेयर कंपनी का परचेस करते हो उसका कुछ हिस्सा आप एप्लीकेशन में देते हो, कुछ हिस्सा अलॉटमेंट में देते हो, और जो पूरा हिस्सा बच जाता है यानी जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस के लिए कंपनी आपके पास क्या करती है, कॉल करती है। जब जब कंपनी पहली बार कॉल करती है उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल। तो उस केस में जब कंपनी का मेंबर हमारे घर आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ अमाउंट पे करते हैं। तो ऐसे केस में भी कंपनी सबसे पहले आपकी कैपिटल की एंट्री क्या करती है, पास कर देती है, इक्विटी शेयर। अब देखो सेम है, यहां एप्लीकेशन लिखा तो आप यहां क्या लिखना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, सेम, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ड्यू इसलिए क्योंकि अभी आपसे पैसा मांगा नहीं गया है और उसको क्या कर दिया गया, लिख दिया गया, यानी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। अब फिर एक पर्सन आपसे आएगा, कंपनी का मिलेगा और आपसे कहेगा सर आपने जितना वादा किया था फोन को उतना पैसा क्या कीजिए, मुझे पे कीजिए। तो जैसे ही आप कंपनी को पैसा पे करते हैं तो फिर कंपनी अपने एंट्री करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर आप यहां फुल पेमेंट कर दोगे तो ये फर्स्ट एंड फाइनल हो जाएगा, अगर आप फुल नहीं करते हो तो अगली बार करोगे तो अगली बार हो जाएगा सेकंड एंड फाइनल, यानी सेम एंट्री फिर ट्रांसफर होगी, बट जहां फर्स्ट लिखा है वहां क्या लिख देना है आपको, सेम सेकंड एंट्री बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो उम्मीद है आपको इसका फॉर्मेट क्या हो गया होगा क्लियर, यार एकदम आसान फॉर्मेट है, सिर्फ आपको दो एंट्री क्या करनी है याद करनी है, उसी दो एंट्री को बस रिपीट करते जाना है और हेड को क्या कर देना है बदल देना है, यही है सबसे आसान शेयर है। इतना आसान शेयर है कि आपके एग्जाम में नंबर तो जरूर दिलाएगा, बस आप ध्यान से महेश सर का वीडियो कंटिन्यू वॉच करते रहिए, जैसे पहला था थ्योरी पर, दूसरा फॉर्मेट पर, अभी हम इसका न्यूमेरिकल भी बताएंगे, इसके बाद इसके भी सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होंगे मेरे नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्ट में क्या होते रहेंगे आते रहेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक सभी पार्ट्स को क्या कीजिएगा जरूर देखिएगा और एक हफ्ते में आपका पूरा शेयर क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो चलो ये हो गया फॉर्मेट, अब इसको कैसे करते हैं एक न्यूमेरिकल पे सॉल्व। तो जैसे देखो मान लो कंपनी के 10,000 शेयर है ऑथराइज, कंपनी ने क्या किया है सेबी से ऑथराइज करा लिया, सेबी कौन, SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक संस्था होता है जो कि ऐसे कंपनियों पे क्या करता है नियंत्रण करता है जो सिक्योरिटी को मार्केट में क्या करते हैं इशू करते हैं, यानी जो जनता से पैसा लेकर पैसा देने का काम करें, यानी पैसे का जो लेन देन करती है संस्थाएं, उन संस्थाओं का नियंत्रण किसके हाथ में होता है, सेबी के हाथ में होता है, ठीक है। तो अब इस कंपनी ने मान लो इस कंपनी का नाम दे देते हैं ABCD कंपनी, तो ABCD कंपनी ने अपने वहां 10,000 शेयर क्या किया ऑथराइज कराया और एक शेयर की वैल्यू कितना रखा हुआ है 10 रुपए, पर जरूरी नहीं कि जितना ऑथराइज किया उतना ही मार्केट में क्या किया जाए इशू किया जाए। तो मान लो इन्होंने इशूड कर दिया 8,000 शेयर पर लोगों द्वारा खरीदा गया 5,000 शेयर, यानी लोगों ने क्या किया सब्सक्राइब कितना किया 5,000 शेयर, आपने ऑथराइज कराया 10,000, इशू किया 8,000, लोगों ने सब्सक्राइब किया 5,000। तो याद रखिएगा फाइनली ना आपको ऑथराइज से मतलब है ना इशूड से मतलब, आपको सिर्फ मतलब किससे होता है सब्सक्राइब, क्योंकि जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे आप उतने लोग से ही पैसा लेंगे ना, शादी विवाह में देखते हैं ना जितने मेहमान आते हैं आप उतने से न्योता लेंगे कि जो नहीं आए आप उनसे भी न्योता लेंगे, वो तो उनकी माना होता है कि वो ला के आपको न्योता दे दे, पर आप जाके नहीं कहते भैया हमारा न्योता दे दे, पर हाँ जो लोग आए होते हैं आप तुरंत उनको दिखाते हैं भैया वहां जाइए देखिए बैठे हुए फूफा, फूफा के पास जाए न्योता लिखवा दा, तुरंत उसे न्योता क्या करते हैं लिखवा लेते हैं, क्योंकि आप आए हैं भैया आप हमारे वहां कुछ खाएंगे तो न्योता दीजिए। तो ये चीज होता है, ठीक है। तो अब जो लोग आए हैं यानी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है जिन लोगों ने शेयर को परचेस किया है अब उनसे न्योता लिया जाएगा, और इस वहां पर न्योता फिक्स नहीं होता है, शादी विवाह में लोग अपने हिसाब से देते हैं, पर यहाँ न्योता फिक्स है, सबसे कितना लिया जाएगा 10 रुपये पर शेयर, 10 रुपया, जिसमें जब आप अप्लीकेशन करेंगे यानी जब आप फॉर्म को भरकर जमा करेंगे तब 3 रुपया दे देना, जब आपका अलॉटमेंट होगा तब 4 दे देना, जब हम पहली बार फोन करेंगे तब कितना दे देना 3 रुपया। कंपनी ने तय कर दिया कि पहले बार जब आप फॉर्म भर के जमा करोगे तब 3, जब कंपनी के रजिस्टर में नाम लिखाएगा तो 4, जब कंपनी फोन करेगी तो 3, यानी ये पर शेयर होता है। क्या होता है ये सारा पैसा पर शेयर है। अब जिसने जितना खरीदा हो तो कंपनी के पास कुल टोटल कितने शेयर का पैसा आएगा 5,000। देखो एप्लीकेशन में सबसे पहले कंपनी के पास कितना पैसा आएगा 5,000 नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट, कंपनी को कितना पैसा मिल गया 15,000। अब जो पैसा मिला इसी को कंपनी क्या करेगी ट्रांसफर कर देगी, किसमें ट्रांसफर कर देगी कैपिटल में। इसके बाद जैसे आपका नाम लिखा गया कंपनी का मेंबर जाएगा और आपसे कहेगा, आप बोलेंगे कौन, कहेगा यस आई एम ABCD कंपनी का मैं एजेंट हूं सर, और आपका अलॉटमेंट कर दिया गया है कॉन्ग्रेचुलेशन, तो प्लीज 4 रुपए क्या कीजिए मुझे पे कर दीजिए, तो 4 रुपया पर शेयर। इसी तरह वो क्या करे, वो एजेंट है ना, सभी लोगों से पैसा इकट्ठा करके लाएगा तो वो कंपनी में कितना लाएगा 5,000 शेयर का पैसा लाएगा, किस हिसाब से 4 रुपए के हिसाब से। तो कंपनी में कुल कितने पैसे आने वाले हैं, तो कंपनी को पता मेरे पास कितने आने वाले हैं, तो कंपनी ट्रांसफर कर दी 20,000 और आ भी कितना गया 20,000 मिल भी गया, ओके। इसी तरह जब फर्स्ट कॉल कंपनी सबके पास करेगी तो कितना मिलेगा 3 रुपए, तो 3×5 कितना हो गया 15,000। कंपनी को पता है कि मेरे फोन के बाद कुल मेरे पास कितना आना है 15,000 आना है, और उसके बाद से वो पैसा फिर कंपनी को क्या होता है रिसीव हो जाता है, यही पैसा ट्रांसफर हो गया।
ये हो गई जनरल एंट्री। अब इसी के बाद इसी का बनेगा बैंक अकाउंट और इसी का बनेगा फिर बैलेंस शीट, तब जाके आपका शेयर क्या होगा फुल्ली कंप्लीट होगा। तो उम्मीद है आपको फॉर्मेट और शेयर का न्यूमेरिकल डेमो क्या हो गया होगा क्लियर होगी। डेमो था, हम आपको इससे भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन क्या करेंगे समझाएंगे। बस आप बने रहिए महेश सर के शेयर के वीडियो पे। ओके बच्चा लोग, अच्छा लगा हो तो यार एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास, ठीक है। ओके थैंक यू, जय हिंद जय भारत।